एमसीडी का कोई कर्मचारी तक नहीं आया। ये बताया जा रहा है 12 लोग और थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पता नहीं कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कोई रिजल्ट नहीं बताया जा रहा है, कोई नंबर नहीं बताया जा रहा है कि एग्जैक्ट कितने लोग बाहर आए। हर बार बारिश का यही हाल है, यही हाल है। उसके बाद भी तो ये किया जा रहा है, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम कोई है। एक स्टूडेंट की डेथ हुई है पटेल नगर के अंदर, करंट लगने का। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता जतिन भी लगातार बने हुए। ओवर टू यू जतिन। आज बिल्कुल प्रगति, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है और क्रिमिनल आपराधिक जो धारा है उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी कैसे घुसा। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुआ है, जो कि इंस्टीट्यूट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बेसमेंट में जाने का दरवाजा आप बिल्कुल सामने देखेंगे जो पूरे तरीके से टूटा हुआ है। लेकिन सवाल आप देखेंगे कि बाउंड्री जो है वो बेसमेंट की, वो अपर स्लाइड पर है, यानी कि तकरीबन 1.5 से 2 फीट ऊपर। तो सवाल ये खड़ा होता है कि बेसमेंट में पानी किस कदर घुसा है। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थ्योरी ये बताती है कि जो रोड जिस पर अभी हम इस वक्त मौजूद है, ये दरअसल नीचे की तरफ है और मेन रोड से बिल्कुल स्लाइडिंग नीचे की तरफ है। और यही कारण था कि पानी, जब बारिश हुई तो पानी नीचे की तरफ बहा। और आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूट के बाहर इस तरीके से पानी जो है वो यहाँ पर जमा भी हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन स्टूडेंट्स में खासा रोष है। रोष इसको लेकर कि 1953 से ये इंस्टीट्यूट जो है वो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का हादसा हो जाना। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आप लोग रात से यहाँ पर खड़े हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे, खामी किसकी लगती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो ऊपर की तरफ है, तो पानी कैसे घुसा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंस्टीट्यूट भले ऊपर की तरफ है, लेकिन जो लाइब्रेरी है वो 12 फीट बेसमेंट में है। और यहाँ सिर्फ राउस की लाइब्रेरी नहीं है, 90% लाइब्रेरी टरोल बार में और ओल्ड राजेंद्र नगर में वो बेसमेंट में है। और यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इतनी खराब हालत है, अगर 5 मिनट बारिश आई तो कम से कम 4-5 फुट पानी भर जाता है। तो रात भी ऐसा ही हुआ कि बारिश आई और 5 मिनट के अंदर अंदर ये रोड पूरा भर गया। एंड बताया जा रहा है कि जो अंदर नीचे जो ड्रेनेज लाइन था वो पाइप फट गया एंड डायरेक्टली उससे फ्लडिंग हुई। और फिर वहाँ पर इलेक्ट्रोक्यूशन के भी कुछ चांसेस बने हैं। एंड वहाँ पर जो बच्चे ट्रैप थे वो बाहर नहीं आ पाए, जो आ सके वो आ रहे, बट जो अंदर फंस गए थे तो देवर लाइक फिनिश। तो पीपल वर सेइंग कि अभी जो पुलिस ऑफिशियल्स है वो कह रहे थे सिर्फ 3 बच्चे की कैजुअलिटी है, बट अल्टीमेटली की कैजुअलिटी ज़्यादा है, बिकॉज हॉस्पिटल सोर्सेज तो ज़्यादा बता रहे हैं। एंड जिसमें जो रिस्पॉन्सिबल है वो एमसीडी है, एंड जो ये कोचिंग माफियाज हैं जो सिर्फ एडमिशन के टाइम पे फीस ले लेते हैं बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाते। रात भर से राउस की ओर से कोई ऑफिशियल यहाँ नहीं आया है बच्चों से बात करने, उनको कंडोलेंसेस देने या उनसे किसी भी टाइप की बात करने। एमसीडी और इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर गुस्सा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अक्सर इस तरीके की परेशानी होती है, पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर का यही हाल है कि सीवरेज का पानी सड़कों पर उतर जाता है। देखो ये तो हर रोज का है, जब भी बारिश 15 मिनट भी बारिश होगी तो पानी तो बाहर आएगा। और सबसे खेदजनक बात तो यही है कि ये तो हमारे कैपिटल का हाल है, तो बाकी तो हम सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे जो भी बच्चे रहते हैं ना, सब मिडिल क्लास के बच्चे हैं, सब स्टूडेंट्स हैं, तो उनका तो थोड़ा बहुत तो एमसीडी ने ख्याल करना चाहिए। टैक्सेस भरपूर लेते हैं वो, सारे चीज़ें हमसे ले लेते हैं, बट फैसिलिटीज कोई नहीं। लोग भी क्या इस लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, अंदर किस तरीके की तस्वीरें हैं? बताया जा रहा है कि 200 बच्चे इस बेसमेंट में पढ़ सकते हैं एक टाइम पर। हाँ, 200 से 300 बच्चे पढ़ सकते हैं उसमें, और काइंड ऑफ 12 फीट नीचे है वो, तो मतलब तो यहाँ पे ड्रेनेज प्रॉब्लम रहता है, ड्रेनेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है। क्या इस तरीके का ड्रेनेज प्रॉब्लम रहता है यहाँ पर? ड्रेनेज प्रॉब्लम रहता है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम इस तरफ चलेंगे और बात करेंगे। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, इस पूरे इलाके में क्या ड्रेनेज प्रॉब्लम रहता है? ड्रेनेज प्रॉब्लम तो रहता ही रहा है, हर साल का प्रॉब्लम वही है कि यहाँ कुछ आप घूम के देखोगे तब भी मतलब आपको दिखेगा कि कभी वायर यहाँ पे बिखरी हुई है। तो पहले तो अभी पटेल नगर का केस हुआ था, तो वहाँ से वैसे बच्चे डर के रहने लग गए कि पानी है, बच्चों पानी से बचने के लिए साइड से जाएंगे तो कभी भाई करंट वरंट ना लग जाए तो उससे बच के जा रहे। लोगों में शिकायत है, एमसीडी को लेकर शिकायत है, शिकायत इंस्टीट्यूट को लेकर। प्रगति भी यहाँ पर बनी हुई है, प्रगति के पास जाएंगे। प्रगति, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए फिलहाल बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, जो इसी राजेंद्र नगर में जितनी भी कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ कई सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमेशा का यही हाल होता है, हर साल का यही हाल है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आप बताइएगा कि जिस वक्त ये हादसा, उस वक्त आप थे? जी मैं नहीं था, बट मैंने सुना कि यहाँ पे चश्मदीद जितने भी थे उन्होंने बताया कि निकाला नहीं जा रहा था। आप में से कोई था उस वक्त स्पॉट? नहीं, स्पॉट पे नहीं थे। हादसा होने के बाद में हम लोग जस्ट आ गए थे, बैरिकेडिंग हो गई थी, हमको आगे नहीं जाने दिया गया था, लेकिन हम यहाँ खड़े होकर देख रहे थे। पूरी अभी तक भी आप देखेंगे कि पूरी रात से ये पानी खाली करने का काम चल रहा है, अभी तक भी इनसे खाली नहीं हुआ है, अभी भी मशीनें लग रही हैं, अभी भी पानी निकाला जा रहा है। इतना समय लग रहा है तो कैजुअलिटीज होंगी ना मैम, कौन जिम्मेदार है? अभी भी हमसे एक व्यक्ति, कोई प्रशासन का, सरकार का व्यक्ति
व्यक्ति हमसे बात करने नहीं आया है कि क्या परेशानी है या आश्वस्त करने आया हो हमको, किसी ने कोई आश्वासन दिया, कोई जवाबदेही नहीं है। कितने बच्चों की डेथ हुई है, कितने दो दिन तीन दिन पहले बच्चा करंट लग के उसका देहांत हुआ है, आज फिर इतने बच्चे, मैन इतने पोस्ट एरिया में राउस जैसी कोचिंग में अगर इतने बच्चों की डेथ हो रही है तो इन पीछे की गलियों में तो आप देखेंगे ना तार लटक। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। और इस बीच हमारे सहयोगी लोमस ने मेयर शालिनी से बातचीत की है, क्या कुछ बातचीत हुई सुनिए। मैम इतनी बड़ी घटना होगी, क्या कहेंगे मैम, किसकी लापरवाही है? देखिए जैसे ही घटनाक्रम का पता लगा हम मौके पर पहुंचे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम लगी है, एमसीडी के अधिकारी भी तमाम यहाँ हैं, उनके भी रिसोर्सेज पंप्स वगैरह लगे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी पूरी जानकारी मिल जाएगी और कहा जा रहा है कि कोई ड्रेन या कोई सीवर इस प्रकार से टूटा कि पूरा फ्लैश फ्लड की तरह पानी आया और बेसमेंट में पानी चला गया और बच्चे ट्रैप हो गए। मैम किसकी लापरवाही, इतनी बड़ी घटना हुई है किसकी लापरवाही है, क्योंकि ना तो दिल्ली सरकार का कोई यहाँ पे बंदा पहुँचा है, आप पहुँची है अब जा करके। देखिए यहाँ के लोकल जो एमएलए हैं दुर्गेश पाठक जी, वो मेरे साथ तब से खड़े हैं जब से हमें सूचना मिली है, और रही बात कौन जिम्मेदार है, हम इस पर जांच बिठाएंगे और एमसीडी का अधिकारी हो या किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी हो या जो भी जिम्मेदार होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, एक्शन होगी और पूरी कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर पे मैम, ट्विटर पे अपने बयान जारी करके लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ कई कई सारे दिल्ली सरकार के मंत्री हैं ट्विटर पे अपना बयान जारी करके बस अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए मामले की पूरी जांच हो जाएगी तो हम आपको पूरी सूचना देंगे जी। लापरवाही तो यहाँ प्रशासन के एमसीडी की है। देखिए जिसकी भी लापरवाही होगी पूरी कार्रवाई होगी और एक्शन लिया जाएगा जिस प्रकार मैंने आपको पहले बताया। तो शैली ओब्रॉय जो कि महापौर हैं उनको सुन रहे थे, उनका कहना था कि जिसकी भी लापरवाही होगी इस पर एक्शन लिया जाएगा। दूसरी ओर जहां पर ये जो बच्चे मौजूद हैं उनका कहना है कि आप आकर हमसे बात करिए ना, अगर एमसीडी प्रशासन जिम्मेदार है तो हमसे बात करिए, इतना ही नहीं सीसीटीवी की मांग तक ये लोग कर रहे हैं। आप उस वक्त मौजूद थे? नहीं मैम, मैं तो मौजूद तो नहीं था पर बाद में आया, जो जो शंका उसने बताया जा रहा उससे ज़्यादा ही हुआ है और ये जो हालत है दिल्ली में ये सही होना चाहिए, एमसीडी की जो हेड है उनको आना चाहिए। अच्छा तीन नाम बताए जा रहे हैं, तीन छात्रों की मौत हुई है जिसमें बताया जा रहा है श्रेया है, नवीन है, तान्या है, जिनकी जान चली गई, आप जानते हैं उनको? नहीं मैम जानते तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो एस्पायरेंट है, दे आर वन अमंगस्ट अस राइट, आज आज यूपीएससी एस्पायरेंट है, दैट्स व्हाई वी आर प्रोटेस्टिंग फॉर देम रेजिंग वॉइस। मैम आज बात ऐसी हुई थी, आज उनके ऊपर बारी आई है क्योंकि यहाँ पे 80% लाइब्रेरीज है जो बेसमेंट में होती है, आज उनका आज उनके ऊपर यह टाइम आया है, कल हमारे ऊपर टाइम आ सकता है। देखिए अपने भविष्य को सुधारने के लिए पहुंचते हैं आईएएस ऑफिसर बनने का सपना लेकर, हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका भी जुड़ी हुई है, प्रियंका। बिल्कुल देखिए अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो हम तस्वीरें दिखाएंगे, यही वो जगह है राउस आईएएस स्टडी सर्कल, जहां पर इसके बेसमेंट में देखिए, थोड़ा उज्जवल आगे आइए, इसी बेसमेंट में देखिए पानी भर गया था और इतना ज्यादा पानी भर गया 10 से 15 फीट की बच्चों को, जितने स्टूडेंट्स थे उनको मौका ही नहीं निकलना मिला कि कैसे वो बाहर निकले और समझ भी नहीं पाए कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। आपको बता दें इस जगह पर लाइब्रेरी बनाई हुई थी, बच्चों के सेल्फ स्टडी का पॉइंट बनाया हुआ था और जैसे ही इकाई की स्थिति होती है कि एकदम बस्ट आउट हो जाता है पूरा जो ड्रेन का पानी है, उसके बाद यहाँ पर तीन बच्चों की जो जिंदगी है वो एकदम खत्म हो जाती है। अब देखिए लगातार इस पूरे मामले पर राजनीति भी की जा रही है, जो यहाँ के लोकल विधायक हैं दुर्गेश पाठक, उनको लगातार ही कहा जा रहा है कि कई बार इस इलाके के लोग गए हैं कि भाई आप नालों की सफाई कराइए, डीसिल्टिंग का काम करिए, लेकिन इसमें इतनी लापरवाही बढ़ती कि तीन बच्चों की, तीन मासूम स्टूडेंट्स की जिंदगी खत्म हो गई उस लापरवाही की वजह से। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर अभी भी हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा आतिशी की अगर हम बात करें जो कि शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट उन्होंने मांगी है, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं, लेकिन वही यही वो जगह है जो लगातार दिल्ली वासियों का, पूरे देश के लोगों का जो गुस्सा है उसको बढ़ा रही है। और इसी जगह से देखिए बार बार जो है नाराजगी खड़ी हो रही है क्योंकि अब देखिए यहाँ पर सन्नाटा है, एकदम सन्नाटा है, लेकिन इसी जगह ने तीन बच्चों की जिंदगी को खत्म कर दिया है। वो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए थे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए थे, आईएएस की कोचिंग यहाँ पर ले रहे थे। आपको बता दें दो इसमें छात्रा हैं, एक छात्र है नवीन और डोरियन जो है वो केरल से है और यूपीएससी की पढ़ाई यहाँ पर कर रहे थे, अभी 6 से 8 महीने पहले ही वो यहाँ पर आए थे और यहीं आगे जो है पटेल नगर में रह रहे थे, लेकिन इस
जगह पर पढ़ते पढ़ते शाम को देखे नालों का पानी इस कदर यहाँ पर पहुंचा कि 10 से 12 फीट तक पानी भरता चला गया। बच्चों का ये कहना था, जिन्होंने जो आई विटनेस थे, जिन्होंने अपनी आंखों से पूरा ये दृश्य देखा, कि हम लोगों को मौका ही नहीं मिला कि आखिर जाए तो जाए कहा, क्योंकि गंदा पानी था, रस्सियों को फेंका गया, रस्सियों को जो दिख रही थी उसके हाथ में रस्सी बच्चों ने पकड़ी और उसके बाद बाहर निकलने का पूरी तरीके से कोशिश करी, लेकिन ये बहुत ही विकराल स्थिति थी। जिसने भी इस पूरे हादसे को यहाँ पर करीब से देखा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे थे, हर किसी की रूह कांप जाती है। इस पूरी मामले पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली का कोचिंग सेंटर बना मौत का दरिया। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरा पानी। पानी भरता रहा, छात्र चीखते रहे और लोग देखते रहे। दिल्ली में आईएएस बनने आए थे, लेकिन सिस्टम ने जान ले ली। देखिए सीएम साहब, देखिए एलजी साहब, ये आपकी दिल्ली है। यहाँ कोई मरे जिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे साथ न्याय होना चाहिए। टोटली गलती बोलूंगा तो एमसीडी और कोचिंग सेंटर दोनों की है। कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो सिस्टम है सब मिले हुए हैं। ये देश की राजधानी की वो तस्वीर जो लोगों को डरा रही है और प्रशासन से सवाल पूछ रही है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरा है, अफरा तफरी का माहौल है और अंदर छात्र फंसे हैं। वो छात्र जो आईएएस अफसर बनने का सपना लिए थे, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने इनकी जान ले ली। कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया था और 3 स्टूडेंट की इस समय मौत हो चुकी है। इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस जो है जिस बेसमेंट में पानी भरा था उसके भारी हिस्से को जो है बैरिकेड लगाकर और कॉर्डन ऑफ करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 4 बजे के आसपास जो था NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हुआ था। लगभग 9 बजे के आसपास NDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। NDRF और दमकल विभाग ने दोनों टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 2 फीमेल बॉडीज और 1 मेल बॉडी जो है घटनास्थल से रिकवर की गई है। हादसे की यह तस्वीर सेंट्रल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की है, जहां UPSC की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर और NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। अंदर छात्र फंसे हुए थे, लिहाजा बिना देरी किए राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। पानी एकाएक अंदर चला जाता है और जिसके बाद जो बच्चे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए टेबल पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जो बाहर निकलने का रास्ता है उनको नहीं मिलता है, जिसके कारण वो परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। इस राहत बचाव के बीच ही करीब 2 घंटे बाद एक छात्र की डेड बॉडी मिलती है। खबर 3 छात्रों के लापता होने की थी, लिहाजा बाकियों की तलाश में टीमें जुटी हुई थी। कुछ देर बाद एक और शव बरामद किया जाता है और उसके कुछ देर बाद एक और, यानी एक एक कर 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडी मिलती है। UPSC कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है। एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हैवी रेन्स हुए थे यहाँ पे और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफी और एडजॉइनिंग कुछ बिल्डिंग्स में भी वाटर लॉगिंग था। अब इस घटना के बाद छात्रों में गुस्सा है, गुस्सा सिस्टम पर है, गुस्सा प्रशासन पर और गुस्सा उस दिल्ली सरकार पर जिसने दिल्ली को बदलने का भरोसा दिया था। वी आर एस्पिरेंट्स, हम कैश काउज नहीं है, यहाँ की पूरी इकोनॉमी चलाने वाले हम लोग हैं, हम यहाँ पे चलाते हैं इस जगह को, तब भी हमको एज कैश काउज ट्रीट किया जा रहा है। वी वांट जस्टिस फॉर नीलेश राय हु वाज मर्डर्ड अ वीक अगो, पता नहीं यार कितने मरेंगे, इसको एक रिफॉर्म लाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, पानी भरा होता है सर डेली, ऐसे ही पानी भरा होता है, उसमें से हम डेली निकल के जाते हैं। 10 दिन पहले एक और लड़के के साथ हुआ था, वो मेंस लिख रहा था अपना, तो कल हमारे साथ होएगा। हम लोग सर यहाँ पे पढ़ने आए थे, ना कि मौत के घाट चढ़ने आए थे। यहाँ पे जितनी लाइब्रेरी है सारी बेसमेंट वाली लाइब्रेरी बंद कर दी गई है ताकि किसी को पता नहीं चले कि यहाँ पे सारी लाइब्रेरी ऐसी चल रही है, किसी में भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, किसी में दूसरा कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, सब में ऐसे ही पानी भर रहा है। दिल्ली सरकार ने घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस जांच से होने वाला क्या है ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते 24 तारीख की यह तस्वीर तो अभी भूले नहीं होंगे, जब पटेल नगर इलाके से आईएएस की तैयारी कर रहे गाजीपुर के नीलेश राय की करंट लगने से मौत हो गई। नीलेश भी घर से निकलकर कोचिंग जा रहा था,
कॉलोनी में पानी भरे होने की वजह से गेट के सहारे नीलेश ने बाहर निकलने की कोशिश की। गेट को छूते ही नीलेश को करंट लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर जब तक लोग पहुंच पाते नीलेश की मौत हो चुकी थी। दिल्ली सरकार पिछले कई महीनों से जेल से चल रही है क्योंकि आपके मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। वो वहीं से दिल्ली सरकार का कामकाज देखते हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता भगवान भरोसे है और इसके नतीजे भी एक एक कर आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आर भारत आपको पल पल का अपडेट बता रहा है, लेकिन इस पूरे हादसे के बाद तीन जान चली गई और उनका आईएएस बनने का सपना भी इसी के साथ खत्म हो गया। उस दौरान क्या हुआ था, चश्मदीदों की जुबानी सुनिए।